नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूं अपने चैनल में, जिसमें मैं करूंगा Xiaomi Redmi 4A का गेमिंग टेस्ट। जी हां दोस्तों, मैंने हाल ही में इस फोन की अनबॉक्सिंग की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। गेमिंग रिव्यू में हम ध्यान देंगे कि जब हम हैवी गेम्स को खेलते हैं इस फोन पे तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस फोन का, और उसके बाद क्या इफेक्ट आता है बैटरी पे, और क्या इसमें कोई हीटिंग इश्यूज है या नहीं। गेमिंग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मैं 3 गेम्स खेलूंगा, नोवा 3, WWE 2K एंड एसफॉल्ट एक्सट्रीम। सो फटाफट चलते हैं इस टेस्ट की तरफ। सो, अगर मैं सराउंडिंग टेम्परेचर्स की बात करूं, सो करंटली सराउंडिंग टेम्परेचर वुड बी अराउंड 35 डिग्री, राइट। सो 35 डिग्री के आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और अगर मैं फोन टेम्परेचर की बात करूं तो डिस्प्ले पे मैं देख पा रहा हूं, सो 39-40 डिग्री के आसपास डिस्प्ले पे टेम्परेचर पहुंच चुका है। और अगर बैक पे चेक करें तो बैक पे भी 40 डिग्री के आसपास मैं टेम्परेचर देख पा रहा हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन की दिल्ली में गर्मियां आ चुकी हैं, सो दैट इज व्हाई डिवाइस टेम्परेचर इज ऑलरेडी वेरी हाई। सो करंट बैटरी परसेंटेज की बात करें, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45%। So, शुरुआत करते हैं नोवा 3 के साथ। यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि जो मैंने गेम की ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स हैं, मैंने उनको एट द मैक्सिमम रखा है ताकि मैं चेक कर पाऊं कि कोई लैग मैं एनकाउंटर कर पा रहा हूं या नहीं। टिल नाउ गेम काफी स्मूथ चल रही है और आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ ए लैग राइट नाउ। कलर सैचुरेशन और शेडोज की मैं बात करूं, सो दे ऑल्सो लुक नेचुरल इन दिस गेम। फोन ऑलरेडी थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, मुझे अपने हैंड्स में ऑलरेडी फील हो रहा है, बट गेम प्ले बहुत स्मूथली चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस गेम को खेलते वक्त। काफ़ी हैवी गेम है ये और 2GB के रैम हैंडी आ रही है इसको खेलते वक्त। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, सो नाउ लेट मी डू वन थिंग, मैं टेम्परेचर राइज को चेक करता हूँ। सो वी स्टार्टेड विद 126, सो इट्स 136 राइट नाउ। और बैटरी परसेंटेज का ड्रॉप देखें, सो देर इज़ अ 4% ड्रॉप, 45 से 41% हुआ है। तो चलिए टेम्परेचर राइज को चेक करते हैं। स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, वाओ, 47 डिग्री तक चला गया है, स्क्रीन पे 48, ओ माय गॉड। सो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है गेम खेलते वक्त। नीचे की तरफ मैं ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं देख पा रहा हूँ, सो मैक्सिमम आई सॉ वाज 49 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए चलते हैं बैक साइड की तरफ। अगर मैं बैक साइड में चेक करता हूँ तो अगेन 46 डिग्री आई कैन सी राइट। सो थोड़ा मैं और चेक करता हूँ नीचे की तरफ, राइट। सो मैं देख पा रहा हूँ, सो मैक्सिमम ऊपर कैमरा की तरफ ही 46 डिग्री टेम्परेचर राइज दिया था। सो वी स्टार्टेड एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्क्रीन है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, द टेम्परेचर राइज वॉज अराउंड 8 डिग्री। एंड अगर हम बैक साइड पे चेक करें, सो करीब करीब 6 डिग्री का टेम्परेचर राइज मिला है जब मैंने नोवा 3 को खेला है। चलिए दूसरी गेम की तरफ चलते हैं। अब मैं WWE 2K खेलूंगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, सो दैट्स 139, और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 40% बैटरी इस टाइम फोन है। अब खेलते हैं WWE 2K। WWE बचपन से ही काफी फेवरेट गेम रही है मेरी, मैं इसको Xbox One पे भी खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले दिस गेम ऑन दिस डिवाइस। सो अभी तक तो गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो लैग एट ऑल, बट अगेन टेम्परेचर सिंस ऑलरेडी फोन का काफी ज्यादा था, सो मैं उस हीट को फील कर पा रहा हूँ अपने हैंड्स पर। गेम सेटिंग्स मैंने एज यूजुअल मैक्सिमम लेवल पर रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राफिक्स एंड ऑडियो लेवल। सो मैं चेक करना चाहता हूँ कि यू नो कोई लैग मैं एनकाउंटर करता हूँ या नहीं, बट अभी तक मुझे कोई लैग नहीं लग रहा है। द गेम प्ले लुक्स ऑल नेचुरल एंड द गेम इज़ नॉट लैगिंग एट एनी पॉइंट। सो काफ़ी देर हो गई मुझे खेलते हुए इस गेम को, एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट होने वाले हैं, एंड यस आई वन। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इस गेम को खेलते हुए, अगेन फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं मिले हैं।
So now let us move towards the battery check. Time on the clock is 149. We started at 139. और अगर मैं battery percentage की बात करूँ, so that is approximately 35%. So again, 5% का drop आया है battery में इस game को खेलते वक्त. Let's see the temperature rise. Oh my God, that's 52 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स वेरी हाई. इसलिए कुछ अजीब बात नहीं है कि मैं इस फोन को पकड़ नहीं पा रहा था. सो अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रीन को चेक करूं, सो 45 डिग्री तक मैं टेम्परेचर देख रहा हूं. सो राइट, ऊपर वाले एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर आता है. और अगर मैक में चेक करूं, सो कैमरा के पास भी 51.8, राइट, सो 52 के आसपास टेम्परेचर लगभग हो चुका है. सो ऊपर वाले एरिया में टेम्परेचर राइज काफी ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू दी लोअर साइड. सो श्योरली 52 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है. दैट इज 12 डिग्री का टेम्परेचर राइज आया है जब हमने 20 मिनट का गेम प्ले जो है इस फोन में खेला है. सो चलते हैं दोस्तों तीसरी गेम की तरफ. अभी फिलहाल 2:08 हो चुके हैं. आई विल बी प्लेइंग एस्फॉल्ट एक्सट्रीम. सो बेसिकली मैंने 20 मिनट का गैप दिया था क्योंकि फोन सच में बहुत गर्म हो चुका था. सो करंट बैटरी परसेंटेज इज 32% एंड सो लेट्स स्टार्ट दी गेम एस्फॉल्ट एक्सट्रीम. अगेन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जो ग्राफिक सेटिंग्स है, ऑडियो सेटिंग्स है, आर सेट टू द मैक्सिमम लेवल. जो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करने वाला है, जो ऐप लोडिंग टाइम था, जो गेम्स को लोड करने का टाइम था, वो काफ़ी ज़्यादा था. यू नो दैट इज़ एक्सपेक्टेड अगेन बिकॉज ऑफ दी प्रोसेसर. इवन जब गेम को मैं रेडी कर रहा था, सेट कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा लैग एनकाउंटर किया था. बट जब मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तब मैं बिल्कुल भी लैग एनकाउंटर नहीं कर रहा हूँ. इवन आप जैसे देख सकते हैं रैक्स भी जो हो रहे हैं, दे आर प्रीटी स्मूथ एंड वी डू सी small frame drops, but then complete lag या एक freeze होना system का या game का वो हम नहीं देख रहे हैं game को खेलते वक्त. कलर्स और शेडोज परफेक्ट हैं और गेम पे सच में काफ़ी अच्छा चल रहा है. और मैं काफ़ी हैरान हो रहा हूँ देखकर कि जो प्राइस है फ़ोन का, उस हिसाब से फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो राइट, अगेन मैं जीत चुका हूँ यहाँ पर. सो चलिए चलते हैं टेम्परेचर राइज की तरफ. मैंने इसको 10 मिनट से ज़्यादा खेला है एंड मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सिंस मैंने 20 मिनट का रेस्ट दिया था, तो फ़ोन का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक आ गया था. अगर मैं अभी फ़िलहाल बैटरी परसेंटेज की बात करूँ, सो दैट इज़ 26%. सो 10 मिनट से ज़्यादा ही खेला है मैंने एंड अगेन 5-6% का बैटरी ड्रॉप आया है. तो चलिए चेक करते हैं टेम्परेचर राइज को. स्क्रीन पर मैं ऊपर की तरफ देख पा रहा हूँ 46 डिग्री टेम्परेचर तक जा चुका है ऊपर की साइड पे. सो अगेन 40 से 46.2 तक चला गया है. 6 डिग्री का टेम्परेचर राइज देखा है जब हमने 10 मिनट की गेम प्ले. और अगर नीचे की तरफ मैं टेम्परेचर राइज को चेक करूं, 42, 44, 46, राइट. सो इस एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज जरूर हुआ है. सो चलिए अब चलते हैं बैक की तरफ, ऊपर की तरफ कैमरा के पास. अगेन 45 डिग्री टेम्परेचर मैं देख पा रहा हूँ, राइट, 45.4, राइट. सो मैक्सिमम 5 डिग्री का इंक्रीज आया है बैक साइड पे एंड नीचे की तरफ देखें तो अगेन इट इज़ 41. सो यूजुअली कैमरा के साइड पे टेम्परेचर राइज होता है एंड फ्रंट कैमरा की तरफ टेम्परेचर राइज हमने इनकाउंटर किया है. सो जो आउटकम निकलता है इस टेस्ट का, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ इस फ़ोन से, इस गेमिंग रिव्यू को परफॉर्म करके. हीटिंग इश्यूज ज़रूर हैं बट दैट कैन ऑल्सो बी रीज़न कि सराउंडिंग टेम्परेचर्स ऑलरेडी 40 डिग्री तक पहुँच चुके हैं. तो उसको अगर नज़र में रखें, सो यू नो टेम्परेचर राइज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी. बाकी ओवरऑल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है. गेम्स काफ़ी स्मूथली चल रही थी और कोई लैग, मेजर लैग मैं अगर बात करूँ तो एनकाउंटर हमने नहीं किया तीनों गेम्स को खेलते वक्त. अगर बैटरी ड्रॉप का भी ध्यान रखा जाए तो 30 मिनट का गेम प्ले हमने परफॉर्म किया था और उसमें करीब करीब 15-16% का ड्रॉप, बैटरी परसेंटेज ड्रॉप देखा है. सो मेरे हिसाब से दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो दोस्तों ये थी वीडियो गेमिंग रिव्यू Xiaomi के नए डिवाइस Redmi 4A की. बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक बटन जरूर क्लिक करिए. ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद.